हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको करवा चौथ मेकअप दिखाऊंगी। तो आप बताना कमेंट में आपको मेकअप कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ओके फ्रेंड्स, आप वीडियो को देखो और बताना ज़रूर से ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये मेकअप। तो बगल में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, और मेरा सामान इधर उधर फैला हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या लूँ। तो आप वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मतलब मुझे कमेंट में बताना, मैं दूसरा वीडियो किस चीज़ पर बताऊँ। तो आप जिस पे बोलोगे मैं उस पे ज़रूर बताऊँगी, या फिर वो मेकअप हो या फिर वो खाना पे हो, कुछ भी मतलब आप बोलना मुझे कमेंट में, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी बनाने का। तो वीडियो इन्जॉय करो। अभी मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं है, तो इसलिए आपको क्वालिटी थोड़ा मतलब ख़राब लग सकता है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना। जो मैंने लहंगा पहना है ना, मैं लहंगा पहनूंगी इसमें, तो उस पे का मैंने ब्लाउज नहीं सिलवा रखा है। तो ये मेरे साड़ी पर का ब्लाउज है, तो उसको मैंने पहन लिया है, और लहंगा भी मेरा साइड से स्टिच नहीं है, तो आप इस बात पे ध्यान मत देना। मैंने उसको अपनी ननद के शादी में पहनने के लिए लिया है, पर मैंने सोचा कि एक लुक आपको दे दूँ करवा चौथ का, तो मैंने इसीलिए वीडियो बना डाला उस पे। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो आप फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड करें, नहीं तो अगर आप नहीं करोगे तो आपका मतलब मेकअप केकी दिखेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, पूरा फाउंडेशन नजर आएगा। तो उसको आप ब्लेंड करो जब तक वो पूरे अच्छे से आपके चेहरे के अंदर ना ऑब्जॉर्ब हो जाए, तब तक आप करो उसको। और मैंने आपको बताया नहीं, सबसे पहले मैंने लगाया था, मैंने किया था सी टी एम क्लिंजिंग टोनर और मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैं लगाई थी प्राइमर, फिर मैंने फाउंडेशन लगाया था। उसके बाद मैं अभी जो लगाऊंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी आगे, तो मैंने पहले नहीं बताया था इसीलिए मैंने आपको अभी बता डाला। अब मेरे फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं, और अब मैं कंसीलर लगाऊंगी। आपको बताया था ना, मेरा सामान दूर दूर में रखा हुआ है, तो ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये रहा कंसीलर, और इसको ना आप जैसे मैं लगा रही हूँ ना वैसे ही लगाइएगा, पूरे फेस में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इसे। इसको भी अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लो। और ये जो स्पंज है ना, पहले आप इसको ना गीला कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप उसे गीला नहीं करेंगे तो मेकअप हमारा मतलब केक ही दिखेगा, वो अच्छे से अंदर तक अब्जॉर्ब नहीं होगा। कंसीलर भी मेरा लग ही चुका है। अब मैं अभी अपने नोज़ को और चिक्स को थोड़ा कंटूर करूँगी। आपको भी ज़रूरत है तो कर लो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं था फिर भी मैंने किया। कितना आपको बोल बोल कर पकाऊँ, तो मैंने ना गाना लगा दिया बीच में, मतलब गाना ही नहीं लगाया, टोन लगा दिया। अभी मैं आई मेकअप कर रही हूँ, और आईब्रो मैंने पहले ही कर लिया था, वो शायद वीडियो में मैंने नहीं डाल पाया। और अभी आई शैडो लगा रही हूँ, आप देखो मैं कैसे लगाती हूँ, उसी तरह से आप भी लगाना। अगर आप पहली बार मेकअप कर रहे हो तो मेरे वीडियो को देख कर आप कर सकते हो मेकअप।
बताना मैं कैसी लग रही थी, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ कर रहे थे और उन्होंने कहा मेकअप भी अच्छा ही है। और मैंने देखो ये ब्लाउज दूसरी साड़ी पर का पहन रखा है और लहंगा भी साइड से स्टिच नहीं है तो आप इसे इग्नोर करना। और यहाँ पे मैं सोचा अच्छा आएगा लेकिन अच्छा नहीं आया उतना, तो आप बताना कैसा मेकअप है। और ये रहे मेरे हस्बैंड, अभी ये ड्यूटी पे जा रहे थे आप देख सकते हो कैसे कैसे कर रहे हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी रील्स बनाने की कोशिश की, इसमें मैंने सॉन्ग हटा दिया है, तो आप बताना कैसी लगी। अगर आपको मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो प्रिया 8827 सिन मेरी आईडी है, तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं अच्छी वीडियो डालती हूँ और आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पे, और वहाँ भी लाइक कमेंट करना। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक लिए बाय बाय। और आगे मैं एक वीडियो डालूँगी जिसमें मैं थोड़ी सी सॉन्ग डाल के छोड़ दूँगी, तो आप बताना मैं कैसी लग रही थी।